सब गाइस, दिस इज वेरियन बैनल फॉर। मैं आज सोचा तो मैं एक कहानी सुनाता हूँ, एक ज्ञान देता हूँ, ठीक है। कभी भी आपस में भाइयों के बीच में पैसे का लेन देन मत करना। मैंने तो कान पकड़ लिया भाई, मैं बता रहा हूँ। तुम आगे ब्लॉग देखोगे तुम समझोगे कि आदित्य पे ब्लॉग क्यों बनाया भाई। 3 महीने होने वाले हैं, इंस्टा 360 ले रखा है, उसके बाद किसी और को दे दिया बेचने को। मैं तो भाई अब मेहनत की कमाई से लिया ना, मेरे पास तो कहीं यूट्यूब से या कहीं और से पैसा नहीं आता कि भाई ले रखो और वो है। लेके चले गए साथ में, फिर क्या हुआ, मैंने इतने मैसेज किए इंस्टाग्राम में, भाई सॉरी बोल रहा हूँ कि सॉरी भाई पूछने के लिए, बट मेरे पैसे कब वापस दोगे? कोई रिप्लाई नहीं। तो इन सब चीज़ों से यही साबित होता है कि भाई जितना तो रिश्ते ख़राब होते, और मेरा एक रिश्ता तो ख़राब हो गया। तो अच्छा खासा दोस्त था मेरा, साथ में ब्लॉग करते थे, मिलते थे, बैठते थे, बट भाई ने जो हरकतें करी हैं भाई, मैसेज का रिप्लाई करना बंद कर दिया, फ़ोन उठाना बंद कर दिया। उस टाइम पे बोला था मैं एक्सपोज ब्लॉग डालूंगा, बट सौरभ भाई ने मेरे को मना कर दिया कि नहीं, वो कह रहा है कि दे देगा। तो हम भी रुके रहे भाई, और आज उस चीज़ को भाई 3 महीने से ज़्यादा हो गया। तो सोचो मतलब यार, डुकाटी भी तो हवा से नहीं आई ना, डुकाटी लोन पे ही, उसकी भी इंस्टॉलमेंट जाती है। तो इन लोगों को लगता है कि यार जो यूट्यूबर है उसके हाथ खूब पैसा। नहीं भाई, हर बंदा मेहनत करके कमाई करके ही इंस्टॉलमेंट में ही ऐसे बड़े बड़े पैशन पूरे कर सकता है, वरना या तो तुम अमीर बाप की औलाद हो या तो यूट्यूब पे बहुत पैसा आ रहा है। दो ही चीज़ें हैं, तीसरी तो कुछ है नहीं। तीसरी हम हैं जो मिडिल क्लास लोग, मेहनत करते हैं, पैसा कमाते हैं, EMI पे बाइक खरीदते हैं। ठीक है भाई, पैशन है, EMI पे ली है तुम्हारी दम है तो तुम भी लेके दिखाओ, नहीं है ना तो फिर बहस मत करो, ठीक है। तो इस चीज़ को देख के यार बहुत बुरा लगता है यार कि बंदे ऐसी हरकतें करते हैं, 3-3 महीने एडवांटेज उठाते हैं। भाई तुम खुद बताओ यार, 2 महीने मेरा कैमरा यूज़ करने के बाद आगे ब्लॉग में देखना कैसे रगड़ रगड़ के यूज़ किया, कहाँ कहाँ से नहीं निकाला, उसके बाद वापस करके बोलते हो कि भाई कहीं और बेच दो, मैं नहीं खरीद सकता, फाइनेंशियल प्रॉब्लम। अरे हम चूतिया बैठे गए यहाँ पे, और तुम अपने आप को UK का वो बोलते हो कि भाई UK मेरे से बात करता है, ये करता है। भाई कोई झंडा नहीं काट लिया तुमने अगर UK तुमसे बात करता है, पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़ कि जिसके नाम पे तुम उड़क रहे हो उसी को तुम गाली दे रहे हो, पीठ पीछे आगे ब्लॉग में वो भी है, एक जगह तो टिक जाओ। मैं तो अगर उसके मुंह पे गाली देता हूँ, पीठ पीछे भी गाली देता हूँ, सामने तो नहीं रहता ना ऐसे, क्योंकि तुम्हें तो उसके साथ और ट्रिप्स करनी है। उसने तुम्हें बोल रखा है हाँ भाई आओ, मैं तुम्हें अपनी 8-9 बाइकों में से एक दूंगा, साथ में ट्रिप करेंगे। तो भाई उसी जलवे में तुम तो UK। जब सौरभ भाई ने तुम्हें फ़ोन किया कि भाई वो कोलैब वाला पोस्ट डाला हुआ है सौरभ भाई और तुम्हारा, उसको एक्सेप्ट कर लो। बैरन तो सिर्फ फोटो में था, मैं कोलैबोरेशन नहीं किया। तो आगे से रिप्लाई मिलता है कि यार कैसे यार UK देखता है। अबे UK देखता है, ये तेरी दोस्ती है कि UK देखता है? बहुत गलत बात है भाई। तो मेरा फर्ज बनता था ये वीडियो बनाना ताकि आप लोगों तक सच्चाई दिखे, आप लोगों को दिखे। और मैसेज कर रहा, लोगों को मैसेज करके बोल रहा है कि मैं जल रहा हूँ तेरे से। अब तेरे से जल रहा हूँ मैं भाई? बैरन आर्मी जरा बताना इसको, मैं इससे क्यों जलूंगा भाई? क्या उखाड़ा है, बाइक तो तुम्हारे नाम पे है नहीं भी रहे भाई, बिना किसी और बंदे के नाम पे बाइक तुम चला रहे हो। खुदा ना खासा तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया, कुछ हो गया ना, इंश्योरेंस क्लेम नहीं होगा तुम्हें घर वालों को, ठीक भाई? ये बाइक तो आपके नाम पे है नहीं, तो ये बाइक क्यों चला रहे हो तुम? तुम्हें पता है ना तुम्हारी कोई इंश्योरेंस नहीं, तुम्हें अगर इस बाइक से एक्सीडेंट होते कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है? तुम्हारे नाम पे बाइक होनी चाहिए। अब तुम 10 बहाने करके बोलोगे मैंने खरीद ली। कैस्ट्रोल पावर 1 के राइड में भी तो किसी और की KTM लेके गए थे ना यार, तो फुदकना नहीं चाहिए, ठीक है? फुदकना नहीं चाहिए। सारे स्क्रीनशॉट के साथ प्रूफ में बताऊंगा भाई किसके बारे में क्या। जिसको लगता है कि वो सही है बहुत बढ़िया, जिसको लगता है मैं सही हूँ, तो भाई मैं तुम लोगों को सतर्क कर रहा हूँ कि आगे से तुम्हारे साथ भी ऐसा हो सकता है। इसलिए खासकर भाइयों और यारों के बीच में पैसा तो डालना ही नहीं, बिल्कुल नहीं डालने का। लाइफ एक्सपीरियंस, फ्री का ज्ञान, जिस दिन तुमने अपने और अपने दोस्त या अपने अपने भाई के बीच में पैसा डाला, तो भाई रिश्ता वहीं ख़त्म है, मान के चलो। तो ना उधार लेना ना उधार देना, बैरन अल्फा का ज्ञान, और देख लो आगे इसकी करतूत है। तो गाइस, ये है आदित्य, जो है UK की बाईं टांग की 5वीं उंगली के नाखून के बराबर, और ये अपने आप को समझ रहे हैं कि मैं इनसे जलता हूँ। आइए आपको मैं दिखाता हूँ कि भाई हुआ क्या है। तो गाइस, कहानी शुरू होती है मेरे Insta360 पे। तो ये Insta360 1X2 मॉडल है जो मैंने आदित्य को बेचा था। आदित्य मेरे से जब अनुराग की ट्रिप में आया था उस टाइम पर ख़रीद के लेके गया था ये, एंड ही यूज़ दिस इंस्टा फॉर अराउंड 2 odd months। एंड 2 महीने रगड़ने के बाद, सेल्फी स्टिक की माँ बहन करने के बाद, कैमरा तो मैंने अभी तक देखा भी नहीं है।
इन्होंने ये सौरभ जी को वापस दे दिया कि सौरभ भाई, बैरन भाई को वापस दे दो, मैं इसकी पेमेंट नहीं कर सकता, मैं कुछ नहीं कर सकता। और ये है इंस्टा 360 की कहानी। तो ये देखो इंस्टा 360 मेरे से मांग रहा है चार्जर के साथ, और ये मिल गया। और ये आगे वाली कहानी में बताया जा रहा है कि वो क्यों नहीं खरीद रहे और वो क्यों वापस दे रहे हैं 2 महीने यूज़ करने के बाद। पेश है। और यहाँ पे आदित्य जी अजय करके एक जयपुर के भाई हैं, उनको और शिराग भाई को कुछ बोल रहे हैं, आप खुद देख लीजिए। ये मुझे रोज़ गोली देते हुए कि भाई कल पेमेंट हो जाएगा, कल पेमेंट हो जाएगा। भाई खुद अपनी सारी स्टोरीज में टैग करता था स्टोरी में डालने के लिए, और जब सौरभ भाई ने इसको बोला कि बैरन के साथ एक कोलैब किया हुआ है मैंने, वो एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहा, तो कह रहा है कि यूके देखता है, कहता है यूके देखता है मेरा, तो मैं कैसे कर सकता हूँ, ये लो प्रूफ। भाई लोग ये देखो कि मैं अपने ही पैसे मांगने के लिए सॉरी बोल रहा हूँ कि भाई सॉरी आस्किंग व्हेन कैन यू पे, तू पैसे कब दे सकता है। मतलब 2-3 महीने होने के बावजूद मैं इतने प्यार से इससे बात कर रहा था कि भाई पैसे लौटा दे, पैसे लौटा दे। और भाई ये वो बंदे वाली बात है, जब उन्होंने उठवा लिया था, पुलिस स्टेशन बुलवाया था, उठवाया नहीं था क्योंकि मेरा ब्लॉग देख लिया था, वो भी मुझे पता है क्योंकि तूने सौरभ को बताया, सौरभ भाई ने मेरे को बताया कि भाई वो ब्लॉग देख चुके हैं इसलिए उठा नहीं रहे, वरना उठाने का मैसेज भी मेरे पास आ गया था और तेरे ही वॉइस नोट में आ रखा है। भाई अभी इस लेवल पे गिर चुका है 16 या 18 हज़ार होने के बावजूद कि ये लोगों को जा जा के मैसेज कर रहा है कि तूने लिखा था ना, ये तूने लिखा था ना, ये ऐसा लिखा था, दैट्स यू राइट। अबे जाओ ए भाई, तुम्हारे आधे दोस्त ये बोलते हैं कि तू तो लोगों के मीटअप में जाके ये सब करता है। भाई तुमने तो डुकाटी की फोटोज ही डिलीट कर दी, एक ये डिलीट कर दी, एक दूसरी ये डिलीट कर दी, बहुत बढ़िया। अरे ये तो बैरन नंगा कर रहा है, यूके वाली बात नहीं बोलनी थी। ये देख भाई समझता था इसलिए ये भी फ्री में दिया तेरे को, और तूने 2 महीने रगड़ा और वापस दिया। और इसे कहते हैं इंस्टा 360 का पूर्ण उपयोग दूसरे के इंस्टा 360 का। और ये है इंस्टा 360 जब उसने मुझे वापस दिया, पूरा बैंड हो रखा है, आप पुरानी वीडियो से देख सकते हो कहाँ कहाँ पर बैंड है, क्या है, ये देखो बीच में गड्ढा, ठीक है। और जब मैंने उसे फ़ोन करके पूछा ये कैसे हुआ, तो कह रहा मुझे नहीं पता, मैंने तो सौरभ को दे दिया था, अगर वो कॉल रिकॉर्डिंग चाहिए तो मैं वो भी डाल देता हूँ। गंदा वाला सीन हो गया भाई। देखो एक भाई, एक ही गलती दो बार हो ना तो फिर उसे गलती नहीं है। कल स्टोरी आने वाला है उसे, यूके हम मैनेजमेंट है और हम चूतिया, इसका स्टोरी आने वाला है कल, देख लेना। मैं तो मैनेजमेंट नहीं हूँ पर चूतिया मैं इसलिए हूँ, चूतिया मैं इसलिए हूँ कि मैं 70 किलोमीटर से गांडू के लिए आया और मैं सबसे बड़ा 2500 किलोमीटर आया। मैं तो पूरा सीन में नहीं था, फिर एक बंदे के कॉल की वजह से अभी मैं भी फंस गया। अरे इसके प्यार की वजह से कहाँ गए वो, इसके प्यार की वजह से फंस जाते हैं हम। वो उस ढंग से कर रहा, देखो भाई बिना यूट्यूब के अगर 3 सुपर बाइक है ना, जिस दिन यूट्यूब आ गए उस दिन तो आग लग जाएगी। तो भाई सपोर्ट दिखाओ।